अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना इंतज़ार करने का। आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को वीडियो जो है वो लाजमी बता दूँ, क्रीम बनाना कैसे बनानी है। बहुत वेट करना पड़ा है आप लोगों को, और वेट करने के पीछे सबसे मेन रीज़न ये है कि मुझे कुछ एक चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही थी। आपको पता है इन दिनों लॉकडाउन है, और मैं ये चाह रही थी कि मैं आपको प्रॉपर जो है वो सारा बता दूँ। फिर मैंने उस चीज़ का एक हल ढूंढा, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ वो चीज़ जो है वो ज़रूर शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, क्रीम आज जो है वो पिगमेंटेशंस के लिए बता रही हूँ, पिगमेंटेशंस के प्लस आप लोगों के लिए वो इन दिनों क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हम लोग हाई सूंग चलाते हैं घरों में, हम लोग पानी कम पीते हैं, सर्दियाँ हैं, और हाई सूंग चलाने की वजह से आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के साथ जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेशन आपके फेस पे आती हैं, क्योंकि स्किन ड्राई के ऊपर पिगमेंटेशन आती हैं, फाइन लाइन पड़ जाती हैं आँखों के नीचे, हल्के पड़ जाते हैं, फिर जो है आप लोगों की स्किन जो है वो लाइनें पड़ी होती हैं। ठीक है, इस क्रीम की जितनी मैं तारीफ़ें करूँ वो कम है। आप लोग इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, और फिर मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आप लोगों के फेस के ऊपर जो है उसका कैसा रिज़ल्ट आया है। मैंने 1 वीक कहा है, आप लोग एक दिन ही इसको यूज़ करेंगे, तो मुझे आप ज़रूर बताओगे कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे मिला है। ये जो मेरे हाथ में इस टाइम पर ये तो खैर दूसरी डब्बी है, इसके अंदर मैंने क्रीम अपने लिए बनाई है, मैंने ये तकरीबन 3री दफ़ा बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ये खाली शीशी थी तो मैंने फिर इसलिए बना ली। अभी मैं क्रीम इसलिए भी थोड़ा लेट हो रही थी क्योंकि मेरे पास कोई और डब्बी खाली नहीं थी पहले, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बनाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करूँ ताकि मेरे साथ आप लोगों बहुत सारे लोगों का भी जो है वो भला हो जाए। ख़ासतौर पर औरतों को बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, सारा दिन किचन में काम कर रही हैं, हाथों के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, कलर फेड हो जाता है लोगों का यहाँ पे आके, फेड का मेरा मतलब है कि कलर जो है वो रंग काला हो जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में आके हमारा रंग जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है, पाकिस्तान में हमारे मुल्क में जो है वो कलर बहुत अच्छा था। इसकी मेन वजह यही है कि हम लोग समझते हैं कि अब हम बाहर आ गए हैं और हम केयर नहीं करते अपनी स्किन की, और टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि फैमिली के साथ बच्चों वाली जो लोग हैं, माएँ हैं, सारा दिन उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। ये जो मैं क्रीम आप लोगों को बताना सिखा रही हूँ इस टाइम पे, आप लोग इसको एनी टाइम यूज़ कर सकते हो, किसी भी वक्त पे, कोई इसका टाइम नहीं है कि रात को लगानी है, दिन को लगानी है, दोपहर में, कोई टाइम नहीं है। आप इसको रात दिन में 4 दफ़ा लगाएं, 5 दफ़ा लगाएं, जितनी दफ़ा आपका दिल चाहता है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस आप लोगों के आप अपने हाथों पे भी इसको यूज़ करो, एड़ियाँ फटी हुई हैं उसके लिए यूज़ करो, रंग गोरा चिटा चाहते हो उसके लिए यूज़ करो। बिल्कुल हर्बल चीज़ें हैं, कोई इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं है, और स्पेशली ये विंटर के लिए है। और जितनी क्रीम मैं आज बता रही हूँ कि आप लोगों ने बनानी है उसको आप सिर्फ उतनी क्वांटिटी में बनाएं, आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप लोगों की फैमिली बड़ी है, आप बच्चों के लिए यूज़ करना चाहते हो जो कि 18+ हैं, और आप चाहते हो कि ज़्यादा देर तक इसको चलाएं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप इसको इतना ही बनाओ और इतना ही यूज़ करो। बच्चों, आप लोगों की बॉडी पे अगर खुश्की है, ड्राइनेस, ये 100% ख़त्म कर देती है। जो छाइयाँ का मसला है, छाइयाँ जो हैं वो बहुत जल्दी इससे उनका वो लाइट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप पूरी सर्दियाँ, आप जो मेरे ख्याल में शायद 2 महीने की सर्दियाँ यहाँ पे रहेगी हैं, इसको 4 दफ़ा कम से कम बना के यूज़ कर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा इसका असर नज़र आएगा। और अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा लाइट ज़रूर हो जाएंगी। आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो ही मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप इसको इसका रिज़ल्ट जो है वो देखोगे, वरना मैं ऐसे इसकी तारीफ किए जा रही हूँ। ये नहीं है कि ये मैंने बनाई है, मैंने भी जब इसको यूज़ किया तो आप यकीन करें कि सारी क्रीमें बहुत ज़्यादा मैंने टोटके जहाँ वो अपने फेस के लिए यूज़ किए कि किसी तरह से मेरे फेस की जो छाइयाँ हैं वो चली जाएँ, लेकिन बच्चों के बाद जो छाइयाँ हैं वो नॉर्मल है आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग केयर नहीं करते। बाज़ लोगों को ब्लड का मसला होता है कि खून कम है उनकी बॉडी में, इस वजह से भी उनकी जो छाइयाँ हैं वो नहीं जाती हैं जब तक उनके आयरन जो है वो पूरा नहीं हो बॉडी के अंदर। तो मेरा भी कुछ इस तरह का मसला था कि बच्चों के बाद से छाइयाँ आ गई थी और मैं नहीं कर सकी हूँ इन चीज़ों को दोबारा से, इनके ख्याल नहीं रखा है मैंने। तो अब मैंने किया और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मेरी छाइयाँ जो कम वाली थी वो यकीन करें कि बिल्कुल गायब हो गई थी, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था देख के कि ये वाकई मेरा चेहरा जो 1 हफ़्ते पहले था।
और थोड़ी जो बहुत पुरानी हो गई हैं वो अभी हैं लेकिन लाइट, लेकिन अगर उनको मैं कहूँ तो वो मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है जितनी वो थी। अच्छा जी, हाँ चलें जी, अब मैं बनाती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को क्रीम कैसे बनानी है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने एक चम्मच ले लिया है, खाली एक डब्बी तो आपको चाहिए यूज़ करने के लिए, मेरे पास इस टाइम पे नहीं है तो मैं देखूँगी कि मैं इसको किस चीज़ के अंदर जो है वो रखती हूँ। एक आपको खाली शीशी चाहिए, अगर तो वो शीशे की हो तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास शीशे की नहीं है तो आप कोई भी छोटा जार ले सकते हो, जैसे घरों में आम डब्बे होते हैं प्लास्टिक के ऊपर ढक्कन रख दिया और उसको फ्रिज में आप रख दो या फिर कहीं बाहर पे भी रख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई क्रीम की डब्बी है, निविया की कोई क्रीम की डब्बी, जो क्रीम की डब्बियाँ अगर खाली हुई हुई हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, चम्मच चाहिए, एक बॉल चाहिए, विटामिन ई के कैप्सूल हैं, मैंने आप लोगों को टिकटॉक पे इसके इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि कहाँ से ले सकते हो आप लोग, नॉर्मली रोजमन डीएम हर जगह से आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। ये मुझे चाहिए कोई सा भी लोशन, कोई सा भी लोशन, जो भी लोशन आप यूज़ करना चाहते हो, जो आपको सूट करता है, आप इन दिनों घर में यूज़ कर रहे हो, पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं करे, आप एनी लोशन ले सकते हो। मैंने ये लिया है डीप मॉइस्चराइजर वाला लोशन लिया है, सेंसिटिव स्किन के लिए है, परफ्यूम फ्राई है, प्लस मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि मुझे थोड़ी एलर्जियाँ हैं तो इसलिए मैं जितने भी चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा परफ्यूम फ्राई चीज़ें जो है वो यूज़ करूँ। ये स्किन जो जिन लोगों की सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए है। मैंने ये न्यूट्रोजिना के लिया है, न्यूट्रोजिना का लिया है, रोजमन से लिया था मैंने ये भी। अच्छा जी, प्लस एक ये चीज़ है जी, ओलिवियन ऑयल है, ये मैंने बियो का लिया हुआ है। मेन ये मसला था मेरा कि इसकी जगह पे अगर आप लोगों के पास घर में जोजोबा ऑयल है या आप लोगों को इंटरनेट से मिल रहा है, मैं चूँकि यहाँ से एक दुकान से जाके डायरेक्ट लेती हूँ, दुकानें इन दिनों बंद हैं, मेन ये रीज़न था कि ये ऑयल नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ क्रीम शेयर नहीं कर रही थी, और मुझे ये था कि ये ऑयल आ जाए जोजोबा का तो फिर ही मैं आप लोगों के साथ वो यूज़ बनानी बताऊँगी क्रीम जो है। फिर मैंने ये वाली हल निकाला कि ओलिवियन ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, जिन लोगों को सूट करता है। अगर नहीं सूट करता, अगर आप लोगों के घर में जोजोबा ऑयल है तो आप इसकी जगह जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हो, ठीक है आप। और अगर जिन जो घरेलू खवातीन हैं जिनको पता नहीं है कि कहाँ से चीज़ मिलनी है, कहाँ से मंगवानी है, वो लोग आराम से घर से ओलिवियन ऑयल जो है वो यूज़ कर लें, रेवे, आल्डी, लिडल, फैनी, हर एक जगह से आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। दूसरी चीज़ है जी ग्लैसरीन, ये ग्लैसरीन मैंने 2016 में ली थी, अभी तक ये पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है इसको। मुझे मैंने ये ली थी अपोटिके से, मैंने उनसे जाकर कहा था कि मैंने ऑर्डर करवानी है, मैंने ये साहिल से ली थी फ्रैंकफर्ट से, मेरा चक्कर लगा था फ्रैंकफर्ट उस टाइम पे। आप लोग किसी भी अपोटिके से जाके जो है वो ये ले सकते हैं, उनसे कहो कि हमें ग्लैसरीन चाहिए, या फिर अगर किसी को ये पता है कि ग्लैसरीन किसी नॉर्मल जो का मार्केट से मिल जाती है तो वो वहाँ से भी जाके ले सकता है। फिलहाल मुझे नहीं मिली थी, ये 2016 की बात है, मुझे ग्लैसरीन कहीं से नहीं मिली थी, फिर मैं जाके वहाँ से लेके आई थी। अच्छा चलें जी, अब हम यूज़ करते बनाते हैं क्रीम। सबसे पहले मैंने क्रीम की हमने लेनी है जी 4 चम्मच, ठीक है, भर भर के आप लोगों ने ले लेने हैं जी क्रीम के 4 चम्मच। आप क्रीम की क्वांटिटी अगर चाहो तो क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हो, कम नहीं बल्कि इसको आप लोगों ने ज़्यादा ही रखना है, ये अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम अगर बनाते हो तो जी 4 इसके जो है वो होने चाहिए चम्मच। अच्छा जी, मैं फटाफट क्रीम ले लेती हूँ, और क्रीम लेके तो मैं इसको कर लूँगी जी बहुत अच्छी तरह से मिक्स। आप इसकी जगह कोई भी लोशन, एनी लोशन यूज़ कर सकते हो जो आप लोगों को जो है वो सूट करता है, ठीक है। क्रीम लेने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जी, मिक्स 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 मिक्स। अच्छा जी, ये होगी हमारी क्रीम बहुत अच्छी तरह से मिक्स मिक्स। आपने ऐसे करनी है कि जिसका बिल्कुल प्लेन एक टेक्सचर जो है वो तैयार हो जाए,
देखें क्रीम हमारी हो गई है इस तरह से, ठीक है। अब हम जी इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जो है ओलिवियन ऑयल के मैं यूज़ करी हूँ। अगर आप लोगों को जोजोबा ऑयल मिलता है तो वो आपने यूज़ करना है। ओलिवियन ऑयल के भी 2 चम्मच आप लोगों ने डाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालने हैं, बिल्कुल नॉर्मल से इसके अंदर ऐड कर लेने हैं जी। ये हो गए जी 2 चम्मच ओलिवियन ऑयल के। अगर आप लोगों को जोजोबा ऑयल मिलता है तो आप लोग जोजोबा ऑयल यूज़ कर लो इसके अंदर। अब इसको हमने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है अंदर ताकि ये यकजान हो जाए और इसका। अच्छा जी मैं ऐसे पकड़ के कर लेती हूँ क्योंकि वैसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो जो है वो ऐसे ही अपलोड कर दूंगी बगैर एडिटिंग के, क्योंकि शोर भी आप लोगों को इसका भी सारा साथ में शोर भी आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही अब आप लोगों को देखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है इन मुल्कों में, आपको पता है टाइम बहुत कम होता है। और आप लोगों की सहूलत के लिए भी मैंने सोचा कि मुझे कोई बात नहीं, सारी बहनें घरों में ही हैं, सबको पता है जो लोग काम करते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा मेन मकसद ये था कि जिन लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कहाँ से चीज़ें मिलती हैं कैसे बनानी हैं, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएंगी आप लोगों के साथ साथ, मैं भी अपना ख्याल कर लूँगी। अच्छा जी ये देखें इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसी ही क्रीम की तरह हो गया, देखिए बिल्कुल प्लेन हो गया। शुरू में अगर आप लोग देखते तो ऑयल और वो अलहदा था, अब ये दोनों एक यकजान हो गए हैं। मैं फिर आप लोगों को याद दिलाने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको ओलिवियन ऑयल की जगह जोजोबा ऑयल मिलता है कहीं से भी तो आप लोग वो लेके इसको यूज़ कर लो। मुझे नहीं मिला है, मैं इसलिए वेट कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ यही शेयर जो है वो कर देती हूँ। अच्छा जी ये हो गया, ये हो गया जी मिक्स। अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन का ऐड करना है, ठीक है। ग्लिसरीन भी हमने भर के ऐड नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, उसकी भी क्वांटिटी हमने कम रखनी है। ये जी ये गया ग्लिसरीन अंदर, आप लोग देख रहे हो अभी चूज के ये ऐसे अलहदा है, इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये साथ में ही एक यकजान हो जाए। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है ये अभी ऐसा है अलहदा से, और जैसे मैं इसको मिक्स करूँगी चंद सेकंड के लिए मिक्स करना पड़ेगा आपको तो ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं दूसरे मुल्कों से होते हैं, बाज़ इंग्लैंड से होते हैं, बाज़ इटली से होते हैं, बाज़ बहुत डिफरेंट जगह से हैं, उनको तो पता नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से मिलेगी क्योंकि नए गए हुए हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप घर में भी आराम से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के फेस के ऊपर छाइयाँ ही हैं वही यूज़ करें। जिन लोगों के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है उनके लिए प्लस एक एडवांटेज है ये वाली एक क्रीम जो है वो एक प्लस पॉइंट था, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ। जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, रिंकल्स पड़ गए हैं आँखों के नज़दीक और फ्रैकल्स के अलावा भी और हल्के पड़ गए हुए हैं, प्लस उन लोगों की स्किन के ऊपर लाइनें पड़ गई हुई आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ जाती हैं जो कि बहुत बुरी लगती हैं, होंठों के नज़दीक आ जाती हैं ड्राइनेस की वजह से, वो लोग भी ये एक दफ़ा यूज़ ज़रूर करें। और ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली घर में होंगी, आप लोगों को बाहर से कुछ नहीं ऐसे लेना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही बताऊँ जो बहुत अच्छी हों आपकी स्किन के लिए और आप लोगों के पास घर में ही मौजूद हों, आप लोगों को बाहर से नहीं लेनी पड़ी। अच्छा जी क्रीम का टेक्सचर आप देख रहे हो, आपको फ़र्क यकीनन नज़र आ रहा होगा, हमारी क्रीम बिल्कुल अब इसके अंदर मिक्स हो गई है। जिन लोगों की एड़ियाँ फटी हुई हैं वो एड़ियों के ऊपर भी इसको यूज़ करें, किसी टाइम पे भी यूज़ कर लें। विटामिन ई के कैप्सूल मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, ये 600 में हैं ये वाले हैं, इनकी जो पावर है वो 600 में है, आप जितने मर्ज़ी ले सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मली 400 में लेते हैं ये क्योंकि 600 में है इनकी पावर, तो मेरे ख्याल में ये इतनी क्रीम में काफ़ी हैं। अच्छा ये टूथपिक के साथ मैं इसमें अंदर एक सुराख कर दूंगी और इसको आराम से ऐसे निकालूंगी, ठीक है।
तो जी क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप लोग ये यूज़ करके तो मुझे लाजमी बताएं कि किस किस को ये क्रीम जो है वो सूट की है। नॉर्मली तो ये हर स्किन के लिए है, बहुत सूट करती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा, वो लोग ज़रूर अवॉइड करें ये, क्योंकि मेन मसला ये छाइयों का है और छाइयाँ हमेशा चूँकि ड्राई स्किन पे आती हैं, तो मैंने इसलिए ये आप लोगों के साथ शेयर किया। जिन लोगों की स्किन ऑयली है और अगर उनको कोई ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मेंशन किया है, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है वो हल करूँगी। अच्छा जी, ये अब हमने इसको मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरह से। इसके अंदर हमने इसका टेक्सचर तैयार कर लेना है और फिर हमने इसको कर लेना है जी यूज़। एनी टाइम यूज़ कर लो, रात को सोने से पहले यूज़ कर लो, सुबह किचन में आप काम कर रहे हो, 600 दफ़ा आप अपने हाथ गीले करते हो, धोते हो, 600 दफ़ा आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि आपने ये क्रीम किस टाइम पे यूज़ करनी, किसी भी टाइम पे आप ये क्रीम आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो लोग काम करते हैं किचन में, उन लोगों की ड्राइनेस की वजह से हाथों के अंदर लाइनें पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी क्रीम जो है वो हो गई है तैयार, ठीक है। ये हो गई जी हमारी क्रीम तैयार, मिक्स 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 मिक्स। अच्छा जी, इसका टेक्सचर अब ऐसा तैयार हो गया है, बिल्कुल प्लेन है। देखिए ये क्रीम तैयार हो गई है, इसको अब आप लोगों ने इस वाली डब्बी के अंदर जो है वो ऐड कर लेना। देखें आप लोग इसका, और इसका कलर भी सेम है, ये वही क्रीम मैंने बना के रखी हुई है। मेरी ये ख़त्म होगी तो मैं फिर इसके अंदर दोबारा से शामिल कर लूँगी। अब चूँकि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं इस क्रीम को किसके अंदर रखूँ। आप लोग ये क्रीम बना के रख लो, जब ये ख़त्म हो जाए आप इसको दोबारा से बना लो। ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि जितनी आप फ्रेश बना के यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसको बना के फ्रिज में रख दो, कहीं पे भी रख दो और आप इसको यूज़ करो। ऐसे है ये, देखें बिल्कुल प्लेन है, वाह मज़ा आ जाता है लगा के। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई करो और फिर जी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है जी आप लोगों को क्रीम जो है वो कितनी सूट की है, छाइयाँ किस किस की ठीक हो गई हैं, रिंकल्स किस किस के ठीक हो गए हैं, प्लस कलर किस किस का फेयर हुआ है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है। और क्या बताना है जी, एड़ियाँ किस किस की ठीक हुई हैं। आप इसको फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, जिन लोगों की बॉडी ड्राई है पूरी बॉडी के ऊपर लगाओ। गर्म पानी से शावर लेने के बाद, अक्सर लोग यहाँ पे तो गर्म पानी से ही बाहर के मुल्कों में शावर लिया जाता है, पानी में शावर लेने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ख़ारिश पड़ जाती है, बड़ी बात है लोगों को ख़ारिश, जिन लोगों के बॉडी के ऊपर ख़ारिश होती है वो इसको यूज़ करें जी, आराम से यूज़ करें बगैर किसी टेंशन के। बाज़ लोगों की कोनियों के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, उसके ऊपर यूज़ करें। जो भी आप लोगों की जी बॉडी का मसला है, 110% के नेचुरल चीज़ें हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप लोगों को जोजोबा ऑयल मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए या कहीं किसी के पास घर में पड़ा हुआ है, तो ओलिवन ऑयल की जगह वो ये यूज़ कर लें। या जिन लोगों को ओलिवन ऑयल सूट नहीं करता, जोजोबा ऑयल भी जो है वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और एलिमिन ऑयल तो वैसे ही आपको पता है कि सुन्नत भी है यूज़ करना, और वैसे भी बहुत बहुत अच्छा है ये वाला ऑयल। आप इसको जी ट्राई करें फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी हाज़िर होगी फिर से आप लोगों के साथ लेके एक नई वीडियो। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलें जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।